हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मॉर्निंग का टाइम किसे अच्छा नहीं लगता। हाथ में एक चाय या कॉफी का कप हो और साथ में हो हेल्दी नाश्ता, जब इमेजिन करने में ही इतना अच्छा लग रहा है तो एक्सपीरियंस करने में कितना अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। आज हम बनाते हैं ओट्स की इडली, या तो आप इसे कह लीजिए ओट्स की इडली या फिर कह लीजिए ओट्स या रागी की इडली, क्योंकि इसमें हमने रागी का भी यूज किया है। इजी है, इंस्टेंट है, पहले से आपको प्रिपरेशन करके रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप ये हेल्दी नाश्ता बना सकते हैं। और सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही क्यों, आप इसे किसी भी मील से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ओट्स एंड रागी इडली। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसे गर्म करेंगे, फिर फ्लेम को लो पे करके हम उसमें डाल देंगे इंस्टेंट ओट्स। अगर आपके पास रोल्ड ओट्स हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। फ्लेम को लो पे ही रखना है और इसे हल्के हाथ से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। जलाना नहीं है, सिर्फ आपको रोस्ट करना है। जब रोस्ट हो जाएंगे तब आप इसे ठंडा कीजिए। उसको एक ग्राइंडर जार में डाल के हमें कोर्सली ही ग्राइंड करना है, ना पाउडर बनाना है और ना ही हमें बड़े टुकड़े चाहिए। देखिए, इस तरीके से थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। इसे कब और कहाँ यूज करना है वीडियो में अब हम आगे देखेंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हम एक हेवी बॉटम पैन ले लेंगे। जब वो गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हल्का सा तेल डाल लेंगे। मैंने इसमें कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे राई और कड़ी पत्ता। जब ये चटकने लगेंगे तब हम इसमें 10 या 15 मिनट पहले भीगी हुई चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं है और दाल जले नहीं, इसीलिए हम इसे चला लेंगे। हार्डली 30 सेकंड या 40 सेकंड तक दाल को चलाने के बाद देखिए इस तरीके से दाल भी भुनने लगेगी। तब हम इसमें डालेंगे कुछ काजू के पीस, ये ऑप्शनल है क्योंकि ये टेस्टी लगते हैं इडली में, इसलिए डाले हैं। आप चाहे तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। उसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए इस तरीके से दाल भी गोल्डन ब्राउन हो गई है और काजू भी। अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप्ड अनियन। इस इडली की मजे की बात यह है कि आप इसमें कितनी भी सब्जी का यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो सिर्फ प्याज और हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हम इसे में नमक ऐड करके फिर से इसको 30 सेकंड या 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किसको अनियन बहुत ज़्यादा सीके में पसंद है और किसको थोड़ी सी क्रंची अनियन डिशेज में पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। लाल मिर्च डालने के बाद मसाले को एक मिनट तक भूनना है और गैस को बंद कर देना है। जब ये आपका जो छौंक है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, गैस देखिए बंद ही रखनी है इस समय भी, और इसके बाद इसमें हम वो जो ओट्स हमने रेडी किए थे रोस्ट करके और कोर्सली ग्राइंड करके वो ऐड करेंगे। और उसको चलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे रागी फ्लोर। ये सब हमें गैस ऑफ नहीं करना है और इसके बाद इसे अच्छे से चला के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसमें
जैसे इडली का बैटर होता है उतनी कंसिस्टेंसी की एक पेस्ट या बैटर रेडी करेंगे। देखिए ये बैटर रेडी हो गया है और लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना फेवरेट हरा धनिया और उसके बाद हम इसे चला लेंगे। बैटर रेडी करने के बाद हम एक स्टीमर में या फिर किसी बड़े बर्तन में पानी डालेंगे और उसे बॉईल होने के लिए रख देंगे, जैसा कि हम स्टीम करने के लिए करते हैं। अब हम एक इडली के लिए सांचा लेंगे और उसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है तो ये चिपक बहुत जल्दी जाता है, तो आप इसे ग्रीसिंग अच्छे से कीजिए। अच्छे से ग्रीसिंग करने के बाद करीबन एक या डेढ़ चम्मच आप बैटर लीजिए और इसमें फिल कर दीजिए। फिंगर मिलेट या रागी के इतने सारे फायदे हैं, जैसे कि ये ग्लूटेन फ्री है, हाई फाइबर कंटेंट होता है, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है और ये डायबिटीज वाले लोगों के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है। तो अगर इस मिलेट को और साथ में हम ओट्स को अगर अपनी डाइट में ले लेते हैं तो हमें कितने ही बेनिफिट मिलेंगे। फिल करते समय आप ध्यान रखिए कि ना ये ओवरलोडेड होना चाहिए और ना ही कम रहना चाहिए। ये इडली थोड़ा सा फूल जाती है क्योंकि इनमें ओट्स भी हैं, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। देखिए ये सांचा रेडी हो गया है और देखिए पानी भी बॉईल हो चुका है। अब हम केयरफुली अपने सांचों को रख देंगे। इडली बनने में जनरली 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 15-20 मिनट बाद आप एक बार एक नाइफ को डालकर ये जरूर देख लीजिए कि इडली पक गई है या नहीं पक गई है। अगर आपकी नाइफ क्लीन निकल जाती है इट मीन्स आपकी इडली पक गई है। और ये सिर्फ ये रागी और ओट्स इडली के लिए ही नहीं, ये चीज़ सभी इडली के लिए यूज़फुल है। देखिए साथ ही मैंने ये कोकोनट की चटनी भी तैयार कर ली है, आप चाहें तो इसके साथ सांभर भी कर सकते हैं। 20 मिनट बाद ये देखिए इडली फूल गई है और रेडी हो गई है। 5-7 मिनट इसको रखने के बाद अब हम इडली को किसी भी शार्प चीज से निकाल लेंगे। देखिए इतनी स्पंजी, फूली और लाइट वेट की इडली बनी है जिसमें बिल्कुल भी चावल दाल नहीं है, सिर्फ ओट्स और रागी है। आप इसे अपने मनपसंद डिप के साथ खा सकते हैं, साथ में आप चाय या कॉफ़ी भी ले सकते हैं। कितने ही लोग होते हैं जो इडली को सिर्फ चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं और किन्हीं लोगों को सांभर भी चाहिए रहता है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप जो सिंपल इडली होती है या फिर ये रागी इडली है उसको आप किसके साथ लेना पसंद करेंगे। तो लीजिए एक और सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला अफजाई होती है। मैं आपसे मिलती रहूँगी ऐसे ही वीडियोस लेके। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए।